नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मर्दर क्लासेज में। दोस्तों बात करेंगे आज फिर से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस लॉकडाउन की वजह से सारे रीजनल सेंटर बंद है और रीजनल सेंटर बंद होने के कारण हम असाइनमेंट जमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। और 15 मई लास्ट डेट रखी थी लेकिन 15 मई अब आ गई है और ऐसी स्थिति में हम असाइनमेंट कैसे भेजें रीजनल सेंटर तक। तो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बात कर लेते डाउट, ये लॉकडाउन है, खुलने के बाद में भी आपको एक महीने का समय दिया जाएगा असाइनमेंट जमा करवाने के लिए। ये मैंने एक बंदे से बात करवाई है रीजनल सेंटर से ईमेल के ज़रिए, तो उन्होंने बताया कि आप एक महीने के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा और रीजनल सेंटर सारे खुलेंगे उसके एक महीने बाद तक आपके सारे असाइनमेंट जमा होंगे। अभी सभी रीजनल सेंटर बंद है। आपके काफ़ी सारे कमेंट यही आ रहे हैं सर जोधपुर रीजनल सेंटर चालू है, जयपुर कौन सा है? तो सातों के सातों रीजनल सेंटर फिलहाल बंद है। सरकार का अगला आदेश जब आएगा उस समय खोले जाएंगे। सभी विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस वगैरह सारे बंद पड़े हैं, स्टाफ वगैरह सारा घर पे बैठा है, तो ऐसे स्थिति में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और आपका जो अगला रिजल्ट था वो भी रुका हुआ पड़ा है। तो ऐसी स्थिति सैलरी कोविड की स्थिति सैलरी है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके असाइनमेंट वगैरह है वो जमा करवाने की लास्ट डेट 30 जून तक जा सकती है, एक महीने आगे बढ़ेगी बढ़ेगी दोस्तों। तो ऐसे में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और अब आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट मत करना, क्योंकि रीजनल सेंटर जब खुलेगा उसके बाद में ही आप स्पीड पोस्ट करना, पहले करोगे तो फिर स्पीड पोस्ट वापस भी आ सकती है, ऐसी स्थिति भी आपके साथ में हो सकती है। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि आपका अगर आपके पास में असाइनमेंट बने हुए तैयार पड़े हैं तो फिर आप कभी भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन रीजनल सेंटर जब तक नहीं खुलेगा तब तक आपके असाइनमेंट आप जमा नहीं करवा सकते हैं, नहीं आप पर्सनल रूप से और नहीं आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो ये ध्यान रखें। और आपका जो एक महीने तक जब लॉकडाउन खुलेगा उसके एक महीने बाद तक के आपके सारे असाइनमेंट वो जमा हो जाएंगे, तो ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और रही बात परीक्षाओं की, तो परीक्षाओं के लिए मैं अलग से वीडियो बना करके लेके आ रहा हूँ, उसमें सारी जानकारी आपको दे दूँगा कि कौन कौन से किस किस को तैयारी करनी है और किस किस को नहीं करनी है, कौन कौन से प्रमोट होंगे, किसके एग्ज़ाम होंगे, सारी जानकारी उस वीडियो में दूंगा। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख लें, नहीं तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख लें, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ।